हाँ बाबू ने पहले दूध पी लिया है, बाबू ने पहले खाना खा लिया है। पिटाई बाबू, ये दिल मांगे मोर। जिया बोलता गाइस ये बाबू इधर उधर नहीं देखना, इधर देखो, कैमरा ऑन हो गया ना, इसका ध्यान भटक गया। जिया जिया स्माइल दी बाबू। बूढ़ा बाबा दे भी रहा है स्माइल। तो अभी जो है आराम नहीं है, क्योंकि अब जो है कहीं हम जा रहे हैं, तो उसकी जो है तैयारी चल रही है। पिछले दो तीन दिन से मैं पैकिंग ही कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ जो मैंने पैक किया हुआ है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। इसके ऊपर ईंट पत्थर रखने की कोई जरूरत तो नहीं है ना। चलो मोटर बंद कर दो यार, इससे मिलो दोस्तों, देखो क्या कर रहा है ये। जिस पन्नी पे ये सोता है उसी पन्नी को ये मुंह से कुरेद कुरेद के बाबू मेरा निकाल रहा है ना। नहा धो के आया है गाइस, देख रहे हो कितना क्यूट लग रहा है मेरा बाबू। गोलू मोलू, मेरा गोलू मोलू लग रहा है एकदम। ये देखो दोस्तों, गोलू मोलू। अच्छा आप चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ, ठीक है। मैं नहा लूँ जाके, मैं नहा लूँ। एक्चुअली गाइस ये तो पहले नहा लिया, अब मुझे भी नहाना है, क्योंकि मैं दो दिन से नहीं नहाया हूँ। तो मैं नहा लूँ, इसको इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा नहाओ या मत नहाओ, मेरे को बस गोदी ले लो। इतनी खुशी, इतनी खुशी। बस बस, अरे अरे अरे, अरे तेरी के। चलो तो गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, दो दिन से नहाया नहीं हूँ, नहाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और नहाने से पहले खाना खा लिया। यस बाबू ने तो पहले दूध पी लिया है। यस हाँ बाबू ने पहले दूध पी लिया है, बाबू ने पहले खाना खा लिया है। यस पिटाई बाबू, ये दिल मांगे मोर। चलो मैं नहा लेता हूँ, मैं नहा लेता हूँ। सो गाइज अभी दोपहर के 3 बन रहे हैं, बज रहे हैं। बस तेरी बहस की आगे। सो गाइज तो दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और अभी फिलहाल मैं आया हूँ छत पे नहाने के लिए। काफी लोग बाथरूम को बिजी कर रखे थे, और बाकी जो मैंने कंबल दे रखा था ना भिगोकर सुखोने के लिए, तो अभी फिलहाल, अरे यार ये तो आज ही के डेट में लग रहा है सूख जाएगा। मैं कह रहा था 2 दिन लगेगा सूखने में, सूख जाएगा ये तो। यहाँ पर मम्मी ने दे रखा है सुखाने के लिए, देखो। अरे यार बीज गया पूरा का पूरा, गेहूँ खराब हो गया ये। और ये अपना पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है सब लोगों को नहाने के बाद। अब जाके मैं नहाने जा रहा हूँ फिलहाल, तो कुछ ऐसा सीन है। चलो कोई बात नहीं, नहा लेते हैं। वैसे भी मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ, तो अच्छा नहीं लगता यार 2 दिन से नहीं नहाया, मैं अजीब सा लगता है। वैसे भी गर्मी बढ़ती जा रही है, रेगुलर नहाना चाहिए था, तो अब रेगुलर ही नहाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने नहा लिया है 3:40 पे। मैडम अपने लिए क्या लेके आई हो ये? तेरी के बचपन में ऐसी काम खाते थे ना, 1 रुपए के 4 आते थे, ऐसे फिंगर में लगा लेते थे। हाँ 5 आते थे। रिश्मा यही खा रही क्या, फोफी? हाँ। तो फिलहाल गाइस अब जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, और साथ में पापड़ और फोफी। तो ये देखो गाइस, पापड़ का तो तंदूर बन गया है, ये फोफी मैं घर में मैडम जी ने मेरे लिए खासकर भूंज के फ्राई करके लेकर आई है खाने के लिए। तुमने खा ली खाना? और गाइस ये देखो मेरा खाना क्या है, दाल भात, दाल चावल सब्जी आलू और बैंगन की। तो फिलहाल दोस्तों खाना खाता हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल अपनी यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, तो उसकी एडिटिंग भी करना बाकी है, जो कल ब्लॉग शूट किया था, और बहुत सारा काम बाकी है दोस्तों। जिया बोलता गाइस ये बाबू, इधर उधर नहीं देखना, इधर देखो, कैमरा ऑन हो गया ना, इसका ध्यान भटक गया। जिया 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 पापा पापा आई, डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा। जिया ए जिया बोलता है बेबी ये। जिया हल्का हल्का दादा 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 जिया दादा
दादा। दादा। सो गाइज फिलहाल अपना हो गया खाना वाना खत्म और शाम के 6 बज रहे हैं और मैं लगभग 2 घंटे से बाबू के साथ खेल रहा हूँ। हाँ, कोई खिलौना मौजूद नहीं हमारे बीच में, सिर्फ हम दोनों बातें कर रहे हैं बस, है ना। बाबू अपनी लैंग्वेज मुझे सिखा रहा है और मैं अपनी लैंग्वेज इसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अधिकतर तौर पर मैं इसकी लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर ये मेरी लैंग्वेज जल्दी सीख जाता है गाइज। ये देखो दोस्तों, दाल का पानी पी रहा है बाबू हमारा। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा बेबी, इसको थोड़ा और टेस्टी चाहिए। बच्चे लोगों को टेस्टी खाना पसंद आता है, कोई टेस्ट नहीं रहेगा तो खाता नहीं है। लो लेट गया। गोलू मोलू, अच्छा नहीं लग रहा, कब तक दूध पीता रहेगा बाबू, कड़वी चीज भी तो खाएगा ना। तब प्याला बाबू मिला। गाइस अभी अभी ये सो रहा था और अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठा है। इधर है जो बाबू हमारा, दाल का पानी पी रहा है और देखो इसका मुंह कैसा बन जाता है। स्माइल दी बाबू। बूढ़ा बाबा दे भी रहा है स्माइल। देखा गाइस स्माइल देता है। ठीक है ठीक है, ये इसका दोपहर का खाना हो गया। खाना है भाई, लिक्विड के तौर पे ही तो खाना मिलेगा बाबू को, अन्न तो वैसे भी नहीं खा सकता। ये देखो दोस्तों, खा पी के बाबू हमारा रेडी हो गया। अब नहाएगा, एक घंटे में नहाएगा दोपहर को। अरु नहाओगे बाबू? नहाएगा, क्योंकि पापा तो नहाते नहीं है, बाबू तो नहाएगा। ये इसको अपनी कटोरी बहुत पसंद है, ले लो चम्मच, ले लो एक कटोरी छोड़ दो। ये ले चम्मच गया। गुड आफ्टरनून गाइस, फिर से गुड आफ्टरनून गाइज। सो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, ब्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ और वेलकम बैक टू माई चैनल, मैंने बोला ही नहीं, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि होली और बीच में अन्नप्राशन भी था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना थक चुकी थी, तो इसलिए 1-2 दिन रेस्ट जो है रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया कि चलो बाद में आराम से ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी जो है आराम नहीं है क्योंकि अब जो है कहीं हम जा रहे हैं, तो उसकी जो है तैयारी चल रही है। पिछले 2-3 दिन से मैं पैकिंग ही कर रही हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ जो मैंने पैक किया हुआ है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बाबू तो नहीं ले जाने वाला है, ठीक है। बाकी अभी बाबू का जो भी कपड़ा है, उसका जो सामान है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अभी मैंने पैक नहीं किया है। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं तो काफ़ी सारा सामान पैक कर लिया है, अभी पता नहीं और कितना होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं जा रही हूँ मार्केट, विशाल मेगा मार्ट जा रही हूँ, तो वहाँ से जो है कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है बाबू के लिए, शूज़ लेने हैं उसका और 1-2 ड्रेस लेना है बस। तो फिलहाल जो है जाती हूँ मार्केट और उसके बाद आपसे मार्केट में मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पर यहाँ मैं और करिश्मा जो है मार्केट जा रहे हैं, बगल में ही है विशाल मेगा मार्ट, 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो अभी घर से निकल गए हैं, बस अभी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। तो गाइज अभी दोपहर के 3 बन रहे हैं, बज रहे हैं, बस तेरी भैंस की।